भैया एगो एगो परोल बेगूसराय में बस स्टैंड के पास टेम्पू स्टैंड पराव का आज शिलान्यास नगर निगम के द्वारा किया गया, जहां पर आज करीब 7 लाख के आसपास के राशि से जो है आज फेवर ब्लॉक और रेलिंग का काम का आज उद्घाटन बेगूसराय के नगर निगम के मेयर और उप मेयर और तमाम बेगूसराय के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया, जहाँ पर आज बेगूसराय बस जो कि स्टेशन के आगे है वहाँ पर टेम्पू स्टैंड पराव जो है बनाया गया है। और क्या फ़ायदा होगा इससे और कितने राशि का ये बना हुआ है, किस तरह से नगर निगम में आगे विकास होगा, चलिए सीधा सुनते हैं। इसे जाने से पहले आप देख रहे हैं एफओवी न्यूज़ रिपोर्टर दीपक कुमार की ये पूरी रिपोर्ट। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे यानी कि बचपन में। तो आज ही आएं अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड बेगूसराय। पार्किंग बनाया गया है, क्या देखिए हम लोगों का एक ही सोच है जो कैसे मेरा बेगूसराय शहर साफ सुंदर और स्वच्छ हो, सुव्यवस्थित हो, तो इसी के तहत बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था। आज टेम्पू स्टैंड का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो हमारे जो टेम्पू चालक है भाई लोग, वो अपने जगह सुनिश्चित किया गया है, इसी पर अपना लगाएंगे, जहाँ तहाँ नहीं लगाएँ क्योंकि रोड को छोड़ेंगे, क्योंकि आए दिन घटना दुर्घटना होते रहता है। तो अभी टेम्पू स्टैंड बना है, ये लोग अपने समझदारी से यहाँ पर ही टेम्पू लगाएंगे और रोड को क्लियर रखेंगे। रोड नाला अगर क्लियर रहेगा तभी आने जाने वाले शहरवासियों को सुविधा मिलती है। और ये वार्ड नंबर 30 है, नगर निगम का बेहतर सोच है, जहाँ भी टूटी हुई सड़क है, नाला है, जर्जर स्थिति में हर चीज़ का मतलब एजेंडा में लिया गया है, आगे बन जाएगा। आगे और भी जो जहाँ ज़रूरत है, वार्ड नंबर 30 ही नहीं, वार्ड नंबर 3200, 3500, 3400, जिसमें जहाँ चीज़ जो चीज़ ज़रूरत है वहाँ और सब चीज़ बनेगा। नगर निगम की एक ही सोच है जो बेहतर बेगूसराय हमारा बने, क्योंकि आज प्रदूषण से युक्त हो गया है। तो सभी लोगों से कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, अपने जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंके और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। जिस दिन आपका जन्मदिन होता है या जिस दिन आप बैठे हुए मूड में हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कम से कम अपने परिवार के एक भी सदस्य अपने आगे एक एक पेड़ लगाए। अगर पेड़ लगता है तो ये जो देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो ये जो इतनी गर्मी पड़ रही है, ये पेड़ नहीं है, पेड़ का कटाव होता है, पेड़ लगता नहीं है, इसीलिए ऐसा स्थिति है जो जानलेवा गर्मी पड़ रहा है। इस सबसे बचने के लिए मैं शहरवासियों से बार बार अनुरोध कर रही हूँ, शहर आपका है, सड़क आपका है, इसको साफ रखना, सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग आए, तमाम मीडिया बंधु का भी सहयोग मिलेगा, तभी आप ये शहर साफ सुथरा स्वच्छ होगा और हमारा सड़क भी अतिक्रमण मुक्त होगा और साफ सुथरा नाला भी मिलेगा आप सबों को। आप लोगों का सहयोग भी उपेक्षित है, आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बेगूसराय में नगर निगम में इतना यहाँ जो बस स्टैंड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेगूसराय में यहाँ बस स्टैंड में सवारियों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? कल की मांग की गई है लोगों के द्वारा कि कल एक लगाया था। देखिए ये कुछ दिन पहले यहाँ सवारी उतरते उतरते ही बेहोश होकर मर गए थे। देखिए ये तो अभी जो प्रचंड गर्मी चल रहा है, अगर हम एसी में भी रह रहे हैं या अपने रूम में भी रह रहे हैं तब भी घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अभी जितने भी यातायात बस स्टैंड है, लेकिन पानी की सुविधा कहीं नहीं है। तो पानी की सुविधा चापाकल देखिए नगर निगम के द्वारा ये प्रावधान नहीं है सरकार का, अगर हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ लगवा देंगे एक चापाकल और पानी की व्यवस्था भी किया जाएगा, मेरे संज्ञान में आ गया है तो ये हो जाएगा। धन्यवाद। अनिता राय जी क्या कहेंगे, आज जो है टेम्पू चालक की लगातार बहुत दिनों से मांग थी एक पार्किंग बनना चाहिए, आज बन जो है उद्घाटन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब उनकी मांग पूरी हो गई है, आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और उन्हें आगाह भी करना चाहते हैं कि ये जाम की समस्या जो रोड पर लगा के बनी रहती है, उसे हम जितने नगर निगम की जनता है बेगूसराय ज़िला को, उसको निजात दिलाने के लिए उनसे भी मेरी आग्रह है कि
कि अब आपकी मांग पूरी हो गई है। ये आप देख रहे हैं आज उद्घाटन है, तो हम इनसे आग्रह करेंगे कि आप अपना टेम्पू इसी जगह लगाएं, रोड पर जितर जहाँ तहाँ आप लगा करके बैठाते हैं तो इसके कारण बहुत परेशानी होती है जनता को, आम जनता को जाना रहता है, आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। वो कठिनाई को आप दूर कर सकते हैं, आपकी मांग पूरी हो गई तो आप भी अपने आप को सुधार करके हम जनता को सहयोग करें, यही उनसे हमारी इच्छा है। मैडम एक क्वेश्चन, इतना बड़ा बस स्टैंड है लेकिन यहाँ पे एक पानी का नल भी नहीं दिया गया है, इनको लेकर आप क्या कह रहे हैं? पानी टंकी बनी हुई थी और पानी टंकी था वो भी टूट गया, टूट गया तो फिर से हम लोग दूसरा पानी टंकी बनाएंगे। और जल ही जीवन है, नगर निगम तो इसी के लिए जानी जाती है। तो भारी से प्रचंड गर्मी पड़ रहा है लेकिन यहाँ पे पूरे बस स्टैंड में कहीं पानी की सुविधा नहीं। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिन पहले हम लोगों ने पास किया था कि जहाँ पानी की जनता की आवश्यकता है, भाग दौड़ है, जहाँ भीड़ ज्यादा काफ़ी रहती है और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो वहाँ पानी का स्टॉल लगाया गया है। तो यही हमको जानकारी आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि बस स्टैंड में पानी पीने के लिए कोई पियाव की व्यवस्था नहीं की गई। पानी का स्टॉल कहीं भी नहीं लगाया गया। नहीं लगना चाहिए, अगर आप कह रहे हैं नहीं लगा है तो हम इसकी जांच करते हैं। एकदम लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ तो और जगह जगह के यात्री आते हैं, उन्हें प्यास। हम चाहते हैं कि आपके संज्ञान में रहे। पानी टंकी बनाने में तो समय लगेगा लेकिन पियाव हम चाहेंगे जल्द से जल्द यहाँ पियाव की व्यवस्था की जाए। और ठंड पानी जो है जल ही जीवन है, इसलिए हमारी जनता को इतना तो स्वागत हमारी नगर निगम कर ही सकती है, तो जितना जल्द से जल्द हो सकेगा हम यहाँ पियाव की व्यवस्था करवाएंगे। धन्यवाद। और रेलवे बगल में रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन से अगर बस स्टैंड आना चाहेगा तो 1 किलोमीटर पैदल पैसेंजर चल के आता है और तब या तो उधर कट पर या तो उधर कट पर, बीच रास्ते में पैसेंजर को गाड़ी वाला बैठा लेता है दूसरा गाड़ी वाला। हम लोग यहाँ नंबर लगा के बैठले रह जाते हैं और हम लोग को पैसेंजर सौंसे पूरा कार्तिक ख़त्म हो गया लेकिन सिमरिया के लिए हम लोग को एगो पैसेंजर नहीं आने दिया। ये लेकर के हम लोग को परेशानी है। यहाँ कट जो है सो थोड़ा सा भी आने जाने के लिए खुलना चाहिए सर जी। आज जो पार्किंग का उद्घाटन किया गया इस लेकर के सर जी हम लोग हर्षो उल्लासित खुशी से मैंने को उत्साहित हैं। हम लोग जो जगह हम लोग को मिल गया, बार बार दबारा जाता था इधर उधर कट पर, इधर उधर लगाना पड़ता था या तो कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते। आज आप लोग को एक जगह मिल गया है जगह जी जी इसके लिए हम नगर निगम को आपका धन्यवाद देते हैं सर जी, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लाल बाबू कुमार इनके द्वारा ये टेम्पो स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। पिंकी देवी मेयर और अनीता देवी डिप्टी मेयर अनीता देवी के द्वारा उद्घाटन किया गया। मैं मलजानजनी बाबू CI2 के नेता और यहाँ के वार्ड पार्षद क्या कहते हैं बीरचंद राय और हमारे संचालक जो हैं सो मनोज पासवान प्रमोद पासवान और हमारे अध्यक्ष नगर इकाई के अध्यक्ष विजय रजक के उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। लकवा मिर्गी या हो पागलपन, मांसपेशियां नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र DM न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कमख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। पार्किंग हम लोग का मांग था, मांग पूरा हो गया है, जाम से मुक्त हो जाएगा। बुझिए हम लोग का जो मांग था पार्किंग बन गया है, टेम्पो वाले को हम टेम्पो चालक तरफ से हैं। आप लोग लगातार मांग उठा रहे? हाँ, मांग पूरा हो गया नगर निगम से। आए चेयरमैन साहब आए, पिता काटे आज उद्घाटन हो गया है। मेयर जी देवी के द्वारा आज टेम्पो स्टैंड का उद्घाटन किया गया। हाँ, क्या नाम हो गया? मनोज पासवान। टेम्पू चालक मांग कर रहे थे कि एक पार्किंग होना चाहिए, काफ़ी बस स्टैंड में जाम लगता है। आज जो है पार्किंग दिया गया है नगर निगम के द्वारा और आज उद्घाटन, क्या कहें? माननीय मेयर साहब के अथी से पार्किंग तैयार हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से परेशानी हो रही थी, टेम्पू रोड पर लग रहा था। मैडम
और शासक स्थायी कमेटी और बोर्ड की बैठक से निर्णय हुआ और सुविधा के लिए अच्छा है, फिर जाम का समस्या बंद हो जाएगी। आपके यहाँ पे जो है पानी की समस्या है, लोगों ने कहा कि कल जो है लगना चाहिए। कल हमको लगता है कल तक में कल यहाँ लग जाएगा, कल गर जाएगा। ठीक है, लगवा दीजिए। हाँ, कल तक लग जाएगा। ठीक है, और अंदर में एक दो चापा कल है। दिक्कत यहाँ ये है कि बस वाले भी उसमें से जोड़ के पानी पटाते रहते हैं बस को। ठीक है, कल तक में लग जाएगा। ठीक है, होटल हर्ष गार्डन की नई पेशकश, हम बनाते हैं आपके जन्मदिन, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग को यादगार और बेहतरीन। हमने आपके पारिवारिक समारोह के लिए बनाई है एक शानदार योजना। हम परोसते हैं लजीज भारतीय व्यंजन आतिथ्य और आत्मीय सत्कार भाव से। हम उत्कृष्ट सेवा के उच्च मानदंडों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपके पारिवारिक आयोजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी को यादगार एवं बेहतरीन बनाने के लिए होटल हर्ष गार्डन अपनी पूरी टीम के साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। पधारे, स्वागत है आपका।